इस क्वेश्चन में आपको तीन फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, यू वी और डब्ल्यू। यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, समथिंग से एफ एक्स है, और वी यू एक्स ही कह देते हैं, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज डब्ल्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपको दे रखा है। इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है। हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कैसे अप्लाई किया जाए। तो उसी को एक्सटेंसिव मैनर में हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एक पहला तरीका हम बता रहे हैं, इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं करने के, हम फर्स्ट मेथड बता रहे हैं। इसमें आप किसी एक को, सपोज इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, और जो u और w है दैट इज़ द सेकेंड फंक्शन, और फिर प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, फर्स्ट मतलब u d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड मतलब ये पूरा, ठीक है, v इन w प्लस सेकेंड फंक्शन एंड d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक बार हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है, u है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। नाउ जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमें अगेन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ टू फंक्शंस, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, और यहाँ पे हमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो u इक्वल्स टू फिर फर्स्ट डिवाइड dx सेकेंड, मतलब यहाँ से आपका फिर ओपन होगा, तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं अगेन, एंड दैट विल बी द सेकेंड, दैट विल बी द सेकेंड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एंड प्लस सेकेंड d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब v हो गया। यहाँ पे तो एक ही फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो सो सिंपल, यहाँ से ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट कोई मतलब यहाँ नहीं बचता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u हो गया, ठीक है। यहाँ पे u मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट रिमूव करिए, तो यू गेट यू वी d बाई डी एक्स ऑफ w, या d w बाई डी एक्स हम कह सकते हैं, प्लस u इंटू w, u इंटू w, ये हो गया dv बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v w du बाई डी एक्स। तो इंस्पिरेशन क्या मिलती है हमें, कि अगर आपके पास तीन का प्रोडक्ट हो, चार का प्रोडक्ट हो, या पांच का, कितने भी फंक्शन हो, लेकिन एट ए टाइम एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होता है और बाकी को हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, और सबकी बारी आती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे इस वाले स्टेप में किसको डिफरेंशिएट किया गया है, W को डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है, और बाकी दो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएटेड है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस, उनको डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। सेकेंड स्टेप में बढ़िए, अब सेकेंड स्टेप पे आपको v को डिफरेंशिएट किया गया है, लेकिन रेस्ट ऑफ टू फंक्शंस u और w को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या किया गया है, थर्ड वाले में आपको u को डिफरेंशिएट किया गया है और बाकी दो को कांस्टेंट रखा गया है। इसका मतलब कि सब सारे डिफरेंशिएट करे गए हैं, चाहे u हो जाए या v हो जाए या w हो जाए, लेकिन एट ए टाइम, एक बार में एक डिफरेंशिएट किए गए हैं और सभी डिफरेंशिएट किए गए हैं, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो डिफरेंशिएशन के लिए। दूसरा तरीका इसको करने का था कि अगर हमारे पास u, v, w है, ठीक है, तो इसका अल्टरनेटिव मेथड बता दे रहे हैं, दैट इज अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड में हम लोग कहते हैं कि लॉग की हेल्प से, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट आपके पास हो तो लॉग की हेल्प से हम लोग करते हैं, से हमने y अज्यूम कर लिया u v एंड w एंड टेकिंग बोथ साइड log, तो log विथ बेस ही होता है एक्चुअली, log ऑफ u v एंड w। अब ये log का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, log सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो log u प्लस log ऑफ v प्लस क्या हो जाएगा, log ऑफ w हो जाएगा, दैट इज log ऑफ y। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्योंकि हमें वही करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ log y दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ वी। एक स्टेप हम, ठीक है, एक्स्ट्रा चल दिए हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ डब्लू। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लॉग है ये वाई का फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, तो यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, या यूं कहिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, d बाई डी वाई और log y,
और dy by dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर यही प्रॉब्लम है कि ये u का फंक्शन है log, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो फिर हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, d by du करना पड़ेगा, क्योंकि ये u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, log ऑफ u, और फिर du by आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, d by dv ऑफ log v और dv by dx हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका d by dw log ऑफ w एंड dw by dx। अब सारे ही डिफ्रेंशिएशन नॉर्मल है, log y का डिफ्रेंशिएशन 1 by y हो जाएगा, 1 by y dy by dx दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 by u, फिर आ जाएगा आपका du by dx प्लस 1 by v हो जाएगा dv by dx, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 1 by w एंड dw by dx, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो y है आप इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा ब्रैकेट में कर देंगे हम, और यहाँ पे y आपका मल्टीप्लाई हो गया, से y इटसेल्फ था क्या, वहाँ से देखिए y था u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो यहाँ पे आप रख दीजिए u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो जब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू रखेंगे यहाँ पे, चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं, हमारे पास तो स्पेस है नहीं अभी, dy by dx, तो दैट इज u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब देखिए जब ये टर्म इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो इसका u कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आएगा, v इंटू डब्ल्यू इंटू du by dx, दिस टर्म्स आर रिकवर्ड, ये वाला टर्म रिकवर्ड हो जाएगा, v इंटू डब्ल्यू इंटू du by dx, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आपका v कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और क्या बचेगा, u और w, ठीक है, और dv by dx, तो ये वाला स्टेप आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो w कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू गेट दिस वन, तो जो इससे आंसर आया था फर्स्ट वाले मेथड से वही आपका सेकेंड वाला है, तो इस स्टेप के बाद आपका यही होगा, ठीक है, दैट इज़ अ आंसर। तो दोनों ही तरीके आइडेंटिकल हैं, दोनों ही जो भी आपको सुपीरियर लगे आप अप्लाई करिए, ठीक है।